इस लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा बार बार सपा की बदलती लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम की है। समाजवादी पार्टी ने अभी दो दिन पहले ही कन्नौज लोकसभा सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, जो कि सैफई परिवार से हैं और अखिलेश के भतीजे हैं। तेज प्रताप 24 अप्रैल को कन्नौज सीट से नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन अब उनका नामांकन टल गया है। अब खबर आ रही है कि सपा ने कन्नौज सीट से उम्मीदवार बदल दिया है। इत्र नगरी की लोकसभा सीट से तेज प्रताप की जगह अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अखिलेश की उम्मीदवारी का ऐलान किया। रामगोपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश 25 अप्रैल की दोपहर कन्नौज सीट से नामांकन करेंगे। समाजवादी पार्टी से पहले बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर सीट से भी उम्मीदवार बदल चुकी है। अब कन्नौज से उम्मीदवार बदलने के फैसले पर सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव के रण में कन्नौज सीट से क्यों अखिलेश यादव को खुद उतरना पड़ रहा है और क्यों तेज प्रताप की उम्मीदवारी का ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही हटाने की नौबत आ गई है। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट इस फैसले के विरोध में उतर आई। कन्नौज के सपा नेताओं का एक डेलीगेशन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गया। सपा नेताओं के डेलीगेशन ने अखिलेश को कार्यकर्ताओं की नाखुशी से अवगत कराया और ये मांग दोहराई कि इस बार के चुनाव में वे खुद उतरे। लोकल लेवल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तेज प्रताप की उम्मीदवारी पर नाखुशी जताते हुए ये भी तर्क दे रहे थे, बड़ी आबादी ने तेज का नाम तक नहीं सुना है, लोकल नेता किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति कन्नौज से कमजोर होने देने का मौका नहीं चाहते। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी और लोकल लेवल से मिले इनपुट के बाद अपना गढ़ रहे कन्नौज को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए तेज प्रताप को हटाने की नौबत आई। लोकल यूनिट की नाराजगी के साइड इफेक्ट्स आजम खान के गढ़ रामपुर में देख चुकी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार के बजाय बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया था। अब रामपुर में टिकट को लेकर लोकल नेताओं की नाराजगी का इम्पैक्ट कितना होता है ये तो नतीजों से ही पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश अब सतर्क हो गए हैं और इसलिए सपा कई जगह टिकट का ऐलान करने के बाद 2 से 3 बार तक उम्मीदवार बदल दे रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे कन्नौज से पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। डॉक्टर लोहिया 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कन्नौज सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। इस सीट का मुलायम परिवार से भी पुराना नाता है। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप यादव जीते थे और 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली। मुलायम के ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक ये सीट मुलायम परिवार के पास ही रही।